क्या आप भी फैट लॉस करना चाहते हैं? क्या आपने भी अभी जिम ज्वाइन किया है? क्या आपके ट्रेनर भी आपको 2 ग्लास ग्रीन टी और 1 ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए कहते हैं? हैं, फैट लॉस के लिए? यो गाइस, शार्दुल सिंह है और मैं स्वागत करता हूँ आपको इस सारी वीडियो में। और इस सारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मतलब बिगनर्स से, जो हमारे दोस्त जो फैट लॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं 5 टिप्स देना चाहूँगा जो मैंने अपने मतलब जर्नी फॉलो की थी और मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी भी ख़त्म नहीं हुई है कुछ। मतलब ये वाली जो फोटो आप देख रहे होंगे, ये मेरी है 27 अगस्त 2022 की, और जो आप फोटो दिख रही होगी ये है मेरी, क्या कहते हैं, अभी की है भाई, मतलब कुछ दिन पहले की है, याद नहीं कब है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। चलो मैं बेसिक शुरू करता हूँ। जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो 27 अगस्त को, मतलब उसके पहले मेरी जिम की जर्नी हो चुकी है। मतलब 3 महीने मैंने 11th में जिम किया था, फिर बाद में अभी जब मैंने मतलब अगस्त में ज्वाइन किया तो मैंने फुल पोटेंशियल से ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा नॉलेज हो गया था इस बार कि कैसे सब क्या करना है। तो मतलब कि एज सच मैंने कोई ट्रेनर नहीं रखा था मतलब अपने लिए कि मेरा डाइट फिक्स करे वो या कुछ करे, क्योंकि भाई देखो जो मतलब कुछ फिक्स होता है ना तो उस पर मैं नहीं चल सकता भाई। मैं अपने तरीके से करता हूँ सब काम, और मतलब जो साइंटिफिक वे जो मैंने रिसर्च की उस पर पूरा बेस्ड था वो, क्योंकि और हाँ मैं ये बातें बोल के रहा हूँ, ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेरी वीडियो आप देख किस ले रहे हैं, क्योंकि मैंने 6 महीने में 28 kgs लॉस किया था, ठीक है। तो मतलब आपको भी एक तरीके मतलब वो मिल जाएगा ना कि हाँ भाई इसने भी किया है तो हम भी कर सकते हैं, और इसने कैसे किया वो मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। तो टिप नंबर 1 मेरी ये रहेगी कि आपको पहले अपनी कैलोरी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको मतलब सरप्लस में जाना है कि आपको कट करना है। मैं आज इस वीडियो में फैट लॉस पे फोकस करूँगा, क्योंकि बल्कि मैंने अभी चालू नहीं की, ठंडी भी करेंगे, वीडियो को बढ़ते हैं। तो आपको पहले मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट अपनी काउंट करनी पड़ेगी। और मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं, आप किसी भी मतलब ब्राउजर पे चले जाइए, वहाँ पे आपको टाइप करना है मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, ठीक है। वो आपकी हाइट वेट के बेसिस पे आप जितनी भी कैलोरीज है वो बता देगा कि आपको इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक। और अगर आपको सरप्लस में जाना है मतलब वेट गेन करना है, तो आप 200 कैलोरीज उसमें एड ऑन कर दीजिए और उतनी कंज्यूम करिए। और अगर आपको कट करना है तो उससे 200 कैलोरीज माइनस कर दीजिए। अब 200 से क्यों, क्योंकि मतलब जो जो हमारे बिगनर्स हैं, मतलब वीडियो में बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इंटरमीडिएट लोगों को पता रहता है कि क्या करना है। जो हमारे बिगनर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि पहले ही आप 1000 कैलोरीज का डेफिसिट अगर बना लेंगे तो फ्यूचर में जब आपका वेट कम होगा तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कम होगी, ठीक है। और अगर आपने पहले ही 1000 का वो बना दिया है मतलब डिफरेंस डेफिसिट बना दिया है, तो उसके आगे आप जाएंगे कहाँ पे? अगर आपकी ऐसी कैलोरीज हो गई 2100, मतलब फ्यूचर में कभी आपका वेट ऐसा हुआ कि मतलब आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आ रही है 2100, अब उससे आप 1000 कैलोरीज हटा देंगे तो आप 100 कैलोरी मतलब कि 1100 कैलोरी बचेंगे, तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे आप, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले स्टार्टिंग करते समय 200 कैलोरी का डेफिसिट बनना मतलब गुड इनफ है, क्योंकि आपकी बॉडी पहली बात तो लंबी जर्नी में जाने वाली, और फिटनेस एक जर्नी है, ये मैं बहुत मतलब समझाना चाहता हूँ। फिटनेस एक जर्नी, आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आएगा, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप मैंने यही बताया है कि अपनी मेंटेनेंस का निकालिए, फिर उसमें से 200 कैलोरीज माइनस करिए, और जितनी कैलोरीज बच रही है उसको कंज्यूम करिए। इससे हमने डेफिसिट बनाया कि जितना आपकी बॉडी में तो खर्च ज़्यादा करें और खाए कम, तो उससे हमारा वेट कम होगा। और आज की वीडियो में मैं डाइट टिप्स ही देने वाला हूँ, मतलब डाइट बेस्ड टिप्स रहेगी फिटनेस। अगर आपको मतलब वर्कआउट से रिलेटेड टिप्स चाहिए कि मेरा शेड्यूल क्या था, मेरा क्या मतलब मैंने कैसे कैसे सारे वर्कआउट प्लान किए, कार्डियो कितना किया, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिटनेस में मतलब अभी फैट लॉस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको ये पता होना चाहिए आपकी बॉडी में कैलोरीज जा कितनी रही है, आप खाना कितना खा रहे हैं। तो उसको ट्रैक करने के लिए कुछ ऐप्स होते हैं, मैं स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो पहला ऐप मैं बताना चाहता हूँ हेल्दी फैमिली, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने कैलरीज ट्रैक करने के लिए कि मैं कितना दिन में क्या क्या खा रहा हूँ, तो उसको मैं अपने उसमें नोट डाउन करता रहता हूँ, और उससे मेरे मैक्रोस भी चल जाते हैं, माइक्रोस भी चल जाते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की मतलब मेजर फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल मतलब है, और जिनको हमें ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है। ये होते हैं 3 फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग अभी मतलब अपने फिटनेस के लिए इन्हीं तीनों को ले रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड भी होता है, वो अलग बात होगी। तो जो और हम लोग मेनली मतलब जो हमारा फैट लॉस है ना, तो फैट लॉस में सब लोग क्या सोचते हैं कि कुछ खाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। आप खाएंगे नहीं तो आपके अंदर वर्कआउट करने की ताकत ही नहीं रहेगी, और आपकी मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर आप यहाँ से यहाँ हो जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए, आपको मसल लॉस अवॉइड करने के लिए आपको हम लोग चलते हैं दूसरी टिप पे। दूसरी टिप ये है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन हाई रखिए, और ये क्यों है इसे एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। जो हमारी मसल्स होती है तो उसे यूज़ होती है, ये पता है ना, वेट उठाने के लिए, हमारी बॉडी को चलने का मूवमेंट के लिए, बेसिकली मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग उसको कुछ ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं मसल को, तो हमारी मसल जो बनी होती है, मसल फाइबर ही बनी होती है, ठीक है।
और वो जो मसल फाइबर होती है ना वो टीयर करती है, जब भी आप वर्कआउट करेंगे वो ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे उसकी, मतलब नेचुरल स्ट्रेंथ से ज़्यादा ही उसको यूज़ कर लेंगे मसल को, तो उसमें जो फाइबर्स होते हैं उसमें टीयर्स आते हैं, ठीक है। और उन टीयर्स को रिपेयर करने के लिए हमारे जो प्रोटीन होता है वो सबसे एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये गारंटी है, ठीक। तो जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारे मसल लॉस को बचाता है। तो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ मैं, तो इसको मतलब कि प्रोटीन आप मतलब जो एक होता है रेंज स्वीट स्पॉट जो होता है प्रोटीन का, जो कि मैंने अपनी मतलब फैट लॉस जर्नी में लिया था, वो मैंने लिया था 1 ग्राम पर kg, ठीक है। तो मैंने वेट अपना मतलब मेरा 105 किलो था जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैं उस समय 105 ग्राम प्रोटीन ले लेता था कैसे भी, मतलब वेरी स्ट्रगल। अभी तो मेरा मतलब वेट 79 kg का अराउंड है, तो मैं 1.5 ले ले रहा हूँ, 93-94 ग्राम से हो जाता आराम से। तो प्रोटीन मतलब इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो मसल लॉस है ना वो बचा ले, और ये रहते फैट लॉस होने के साथ साथ आपको मतलब लगे कि हाँ थोड़ा फिट भी हो रहे हैं, मतलब फिट तो हो ही रहे हैं लेकिन उतनी मसल स्ट्रेंथ भी आ जाए ना, कि मतलब सुबह से हो गए दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, डाइट रिस्ट्रिक्ट करने का मेरा जो मतलब ये रहता है गो टू प्लान ये रहता है कि मैं अपनी डाइट को एक दिन पहले ही मतलब डिसाइड कर लेता हूँ कि हाँ मैं कल क्या क्या खाने वाला हूँ। इससे ये रहता है कि चीट करने के चांसेस कम हो जाते हैं, जैसे कि मेरे को आज ही पता चल जाएगा कि मैं कल मॉर्निंग में खाऊंगा, फिर दोपहर में, फिर रात में क्या। और जैसे अब उसको चेंजेस आते हैं, जैसे कोई जैसे कुछ सामान नहीं मिलता है फिर उसको चेंज करना हुआ, तो मेरे को पता है कि इसकी जगह मैं क्या खा सकता हूँ। तो अपनी डाइट को प्लान करने से ये रहता है कि हम अपनी चीट मील्स मतलब जो होता नहीं क्रेविंग्स होती है कि हाँ भाई मैं ये खा लूँ ये खा लूँ, तो उससे हम लोग बाउंड हो जाएंगे कि हाँ मेरे को इस समय पर यही खाना है और मैं यही खाऊंगा, तो उससे चीट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब ऐसे मतलब मैंने तो यही किया था तो मैं चीट ज़्यादा कर नहीं पाता था उस वजह से, और भी रीजंस हैं। तो जो आखिर के दो रीज़न है ना वो बहुत ही साइकोलॉजिकल है और बहुत मतलब प्यारे रीजंस हैं, मतलब रीजंस क्या टिप्स है जो मैंने फॉलो की थी और आपको साइकोलॉजिकली मदद करेगा वो। चलते हैं पॉइंट नंबर इतना हो गया थ्री हो गया ना 4 पे चलते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्सअप देना और एक कमेंट भी आ रहा छोड़ के जा रहा, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि और कंटिन्यू करूँ और मैं और मतलब प्रोवाइड कर सकूँ अपनी तरफ से। अपनी डाइट पहले से ही प्लान करने का मतलब ये रहता है कि आप एफिशिएंट हो जाते हैं कि हाँ मेरे को इस समय ये खाना है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, तो आप पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं उसको। मैं तो यही करता हूं, जैसे कि अभी है मेरा अभी 4 बज रहे हैं, ठीक है, तो 5 बजे के लगभग मैं क्या कहते हैं अपनी वो एक प्री वर्कआउट मील लेता हूँ। आज तो वैसे संडे जिम बंद है लेकिन मैं लेता हूँ तो उसको प्रोटीन मतलब उसको ज़्यादा मिलता है, 4 ब्राउन ब्रेड रहता है और पीनट बटर रहता है, ठीक है, और एग्स रहते हैं शायद, हाँ एग्स रहते हैं। तो मेरे को पता ही कि मैं अभी खाऊंगा, तो मेरे को मगजमारी नहीं करनी मेरे को कि भाई लेके आओ मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ, यूट्यूब पर बैठ के सर्च कर रहे हैं कि हाँ हाँ क्या खाया जाए क्या खाया जाए, नहीं ये नहीं, पहले से डिसाइडेड रहती है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और टाइम मतलब टाइम कम वेस्ट होगा। इस नंबर 4 ये रहेगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने खुद की मील्स खुद ही बनाइए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुकिंग बैठ के सीखिए, मतलब कि रोटी बना रहे हैं चावल बना रहे हैं, ये नहीं। जो आपकी गो टू मील्स है जैसे बॉयल्ड चिकन हो गया, बॉयल्ड एग्स हो गए, ब्राउन ब्रेड हो गई, और आपको ऐसे कोई नई नई रेसिपीज ट्राई करनी है, जैसे सोयाबीन होता है, मैं सोयाबीन कटलेट्स बनाता हूँ तो वो खुद से बनाता हूँ, मेरे को पता रहता है कि मेरी बॉडी में क्या जा रहा है और कितनी मात्रा में जा रहा है, तो उसको ट्रैक करने मेरे को आसानी रहता है, ठीक है। तो मैं यही बताऊंगा कि कुकिंग आप थोड़ा सा मतलब सीखा चालू कर दीजिए, क्योंकि आप जब अपना डाइट खुद से बनाते हो ना तो आपको खुद इंटरेस्ट आता है। देखो मेरे को तो इंटरेस्ट आता है कि मेरी बॉडी में क्या जा रहा है, तो मेरे को पता रहे कि एटलीस्ट मतलब खा क्या रहा हूँ मैं। तो जब मैं खुद से अपनी डाइट बनाता हूँ तो मैं भाई रात को चैन की नींद सोता हूँ कि भाई कोई चीट वीट नहीं किया जाए, मेरे को पता नहीं था कि क्या ट्रैक करना था क्या ट्रैक नहीं करना था, एग्जैक्ट कैलोरीज थी एग्जैक्ट मैंने खाया। चैनल्स है इंस्टाग्राम पे मतलब पेजेस है, रिट्राई फिट नाम का एक पेज है, उससे मैंने बहुत मतलब डिशेस ग्रास की थी, चुराई नहीं थी ग्रास की थी, तो उसको मैं अपने डाइट में यूज़ करता हूँ। तो मेरा मतलब ये रहता है कि माइंडसेट बन चुका है एक मेरा कि भाई चीट क्यों करना है, जब खुद से ही हम लोग बना सकते हैं खाना, मतलब इतना टेस्टी बना सकते हैं उसको, हेल्दियर वे में टेस्टी कैसे बनाना वो कर सकते हैं, तो चीट करने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे लिए। तो खुद का मील खुद प्रिपेयर करने में अलग ही सेटिस्फैक्शन आती है, आप भी ट्राई करिए। हाँ पहले 2-3 दिन लगेगा कि अरे भाई टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत, लेकिन सच मानो तो उसमें आपको बहुत एक्यूरेट रहेगा कि आप मतलब कि उसमें ज़्यादा जो आप जितनी जैसा कि आपकी गोल्स है, चाहे बल्किंग हो चाहे कटिंग हो, कुकिंग आपको आनी चाहिए अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो, क्योंकि तो फिर आप दूसरों के भरोसे बैठे रहिए कि हाँ इतना चम्मच तेल डाला, क्योंकि भाई ऐसे मैंने बहुत अनॉय किया अपनी मम्मी को कि मम्मा बनाती थी मतलब वही सोया कटलेट्स बनाती थी तो उसमें एक चम्मच ज़्यादा तेल डाल दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं एक चम्मच मेरे को कैलकुलेट करना है, मेरी कैलरी ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे अच्छा खुद ही बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशान करने से तो मतलब वो नहीं मिलता। और आते हैं अपनी लास्ट टिप पे, तो ये थोड़ा सीरियस मैटर है, तुझे चीट करना क्यों है, चीट करना ही क्यों है भाई। मेरे को ये नहीं समझ में आता लोग चीट मतलब अपने डाइट
सेम है, तो तुम बोर हो गए हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोर समझता हूँ, ह्यूमन नेचर है, बोर हो गए तो मैं कोई नहीं सीख सके। लेकिन ये ख्याल आता है कि वह ऐसे हफ्ते दो हफ्ते कह रहे दो तीन दिन में ही लोगों का जब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी तो लोग गिव अप कर देते हैं कि अरे भाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। भाई मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था फिटनेस एक जर्नी है, आपको इसको जर्नी कर जीना है। ये कोई मिराकल नहीं है कि आप रात में भाई खैसम सो गए, सुबह आपके आर्नोल्ड जैसे पैक्स आ गए, आर्नोल्ड जैसी चेस्ट आ रही बढ़िया, ऐसा नहीं होने वाला भाई। ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो, अगर फैट लॉस करना है हेल्दी वे में करना है तो आपको टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगा था। तो चीट करने में मतलब ये आप ही की हार है भाई, अगर आपका माइंड सेट नहीं है उतना स्ट्रांग कि मेरे को कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ में और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है और आपने चीट किया तो आप ही की दिक्कत है। तो आपको ऐसा माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि अगर मैंने चीट किया तो मैं हार गया ये रेस, ठीक है। अपने आप पनिशमेंट दो, मतलब ऐसा नहीं कि जाके सुई भी लगाने लगे कि भाई ना पनिशमेंट मारो मारो, ऐसा नहीं, मेंटल पनिशमेंट दो भाई मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाया। आप चैलेंज दीजिए 30 डेज चैलेंज दीजिए, इसके चीट डे मत रखिए, 30 दिन तक चीट करिए ही मत, डाइट पे स्टिक करिए। जब आपके रिजल्ट्स आएंगे ना, वो जो रिजल्ट्स आते हैं ना भाई, वही मोटिवेशन देते हैं कि आप आगे और बढ़िए। और आपको कुछ अगर अच्छा खाने का मन कर भी रहा है ना, तो उसके लिए आप मतलब कुछ चैनल्स होते हैं उसमें आप देख लीजिए, जैसे प्रोटीन हाई हो। अब आपको देखिए एक लाइन में लास्ट में बोलना चाहूँगा वीडियो के एंड में कि इट्स ऑल अबाउट चीट मील नॉट अ चीट डे, चीट मील डजंट मेक अ डिफरेंस इफ इट इज इन योर कैलोरी बजट। अगर आप चीट डे पे ही निकल लिए तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। आप एक चीट मील ले सकते हो जो आपकी कैलोरी बजट के अंदर आ जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत भी नहीं, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है भाई। फिटनेस जर्नी है भाई, इसको एंजॉय करो यार, ये भी अलग एक लाइफस्टाइल जैसा है भाई, इसको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो कि हाँ मेरे को हेल्दी ही खाना है और हेल्दी ही रहे। और मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैं महीने में 2 बार मतलब चीट मील ले लेता हूँ। चीट मील क्या मतलब, लास्ट की जो मील होती है रात में उसमें यूजली मैं चिकन बिरयानी खा लेता हूँ, क्योंकि उसमें प्रोटीन मिल जाता है मुझको और कार्ब्स भी मिल जाते हैं। बस ये होता है कैलरीज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मैं सुबह मतलब उतना सुबह क्या मतलब वर्कआउट में थोड़ा कटआउट मतलब कट कर लेता हूँ, ज़्यादा कार्डियो कर लेता हूँ ताकि मेरा मतलब वो जो कैलरी बजट है वो बैलेंस रहे, उससे मेरा वेट गेन नहीं होता है। तो यू कैन हैव चीट मील्स, मतलब एक ब्रेक लेने से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा वो ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, उस बात से दिक्कत है, तो उससे बच के रहना भाई। क्योंकि फिर बाद में अगर उस वे पर निकल गए तो फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, फिर आप ये वीडियो देखेंगे हाउ टू लूज फैट और भी कहते हैं डाइट टिप्स फॉर बिगनर्स। तो इससे अच्छा है कि एक ही बार वीडियो देख लो, एक ही बार सीख लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग, बाय बाय।